हाँ जी, की नाम तुहाडा? हाँ जी, ते केड़ा पिंड है जी? हाँ जी, अज हेल्पिंग हैंड सोसाइटी वालों तुहाडी मदद की गई है, काहदी मदद की गई तुहाडी? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਭਾਅ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਔਜਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਰਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਥਾ ਦਿੱਲੀ ਸੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਕੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਬ ਵੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਰਿਵਿਊ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, पहले देखा जाता है कि वो परिवार जरूरतमंद है कि नहीं, तो उसकी वेरिफिकेशन आज हमारी हेल्पिंग एंड सोसाइटी के मेंबर यशपाल जी ने करी, वेरीफाई किया और केस जब हमने रिपोर्ट्स देखी उसी के बाद हम उस उनके घर आए हैं और उनके परिवार से मिले, उनका दुख समझा, दर्द समझा, और ये बहुत खुशी की बात है कि हम उनकी कुछ मदद कर पाए। और मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि जो हम मदद करते हैं ये सिर्फ एक दो या पाँच लोग मिलकर नहीं, बल्कि ये समाज करता है। हेल्पिंग हैंड सोसाइटी से जुड़े हुए लोगों के आशीर्वाद की वजह से हम अपने कार्य को पूरा कर पाए हैं। जो लोग हमसे जुड़े हैं और जो इस वीडियो के माध्यम से हमारी बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। मैं इस मौके पर एडवोकेट धीरज शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा कि इतने जोश के साथ वो सोसाइटी को चला रहे हैं, क्योंकि मैं उनको देखता हूँ कि ये नहीं कि सिर्फ वीडियोस के लिए वो काम करते हैं, रात रात को उनको कॉल्स आते हैं, उसी वक्त सभी काम छोड़कर अपने देश की सेवा के लिए वो उठ खड़े होकर ऐसे ऐसे इवेंट्स करते रहते हैं। इसी के साथ बधाई के पात्र पूरी हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की टीम है जो दिन रात एक करके लोगों की सेवा में जुड़ी है। मैं ये सबको अपील करूँगा कि आप भी साथ जुड़ें, हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के साथ जुड़ें। इनकी वेबसाइट है www.helpinghandsocietyngo.org। आप इनसे जुड़े और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी सर, दस दो हेल्पिंग हैंड सोसाइटी जी अज फिर एक मदद करने आई है परिवार की, की कहना चाहते हो? अज हेल्पिंग हैंड सोसाइटी एक निर्धन परिवार की मदद करने वास्ते उजला विलेज में आई है। इस केस का सूँ पता साढ़े सीनियर मैनेजर है रिशपाल जी साड़ी सोसाइटी के, उन्होंने दसा कि उन्होंने घर में एक मेड काम करती है जिहड़ा नाम पिंदर है, तो वह काफ़ी समय तो परेशान नज़र आ रही थी, तो उन्होंने उन्होंने पूछा कि कारण तो उन्हें परेशान क्यों नज़र आ रही है, तो उन्होंने दसा कि उन्होंने हसबेंड पिंदर का हसबेंड अमृतसर होस्पिटल एडमिट है, पर उन्होंने को पैसे देने वास्ते या मेडिसिन लेने वास्ते पैसे नहीं है, तो उन्होंने अपनी परेशानी जरूर दसी। तो रिशपाल जी ने साड़ी टीम नाल डिस्कस किया कि सानूं इह प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर साड़ी सोसाइटी ने अज 10,000 रुपए उन्होंने पेंट किए। सर किस चीज़ की इन्होंने जी 10,000 की मदद की गई है, कहदे करके? इन्हों की मदद की गई, इन्हों का घर वाला राजमिस्त्री का काम करता जो लगभग एक साल जो कहते घर फ्री बैठे रहा है, तो यह जी बिंदर है लोगों के घर 2 या 3 घर काम करती है, तो जो उन्हों की इनकम है 2 से लेकर 3 हज़ार रुपये मिलती है पर मंथ की, जो कि बहुत ज़्यादा घट है। इस करके फिर साड़ी सोसाइटी ने अज इन्हों मेडिसिन वास्ते या होस्पिटल की जो फीस देने वास्ते 10,000 रुपये की माली मदद। हेल्पिंग हैंड सोसाइटी हर वारी लोड़वंद परिवारों की मदद की, जितने बाकी भी संस्था है उन्होंने की कहना चाहते थे? मैं तुहाडे चैनल राही यही दसना चाहवा कि नर सेवा नारायण सेवा है, जो आप किसी की सेवा करते हैं मानवता की सेवा करते हैं तो आप परमात्मा की सेवा करते हैं, तो परमात्मा की सेवा जो कर लेंदा दुनिया में हर चीज़ पा लेंदा है। इस करके हर बंदे नूं अग्गे आ के अपनी श्रद्धा अनुसार
ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪਾਕਟ ਅਲੋ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਨਿਰਧਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।